ये सब कैमरे है गाइस, चालू है बट इसकी सेल नहीं है, देख सकते हो। ये चालू थी पर क्या है मेरी सोनी का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जाएंगे अहमदाबाद के सबसे बड़े चोर बाजार में, जिसको हम रविवारी बाजार भी कहते हैं। तो गाइस वहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि वहाँ काफ़ी सेकंड हैंड चीज़ मिलती है, जैसे कि आपको जो चीज़ चाहिए, मशीन, सिलाई मशीन, गाड़ी, साइकिल, मोबाइल, इलेक्ट्रिक वस्तु, फ्रिज व्रिज, फर्नीचर का सामान जो हम पालते हैं, पेट शोट्स, और काफ़ी चीज़ वहाँ मिलती है सेकेंड हैंड में। तो गाइस आज हम वहाँ जाने वाले हैं, तो व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि वहाँ क्या क्या कौन कौन सी चीज़ कैसी कैसी चीज़ मिलती है। तो चलते हैं रविवारी बाजार की ओर। सो गाइस हम बाजार तक आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी हम फिलहाल वहाँ खड़े जहाँ से ये बाजार स्टार्ट होता है, तो अभी हमें काफ़ी दूर तक पैदल चलना है, काफ़ी 2 से 3 किलोमीटर चलना है क्योंकि ये बाज़ार काफ़ी बड़ा है। तो गाइस जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, स्किप करें बिगड़ देखना गाइस। तो मैं और आसिफ भाई आपको अंदर तक जाएंगे और आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि कैसी कैसी या क्या क्या चीज़, क्या क्या वस्तु, क्या क्या सब सामान बिकता है। तो चलते हैं अंदर अभी। बाजार के अंदर आने के बाद सबसे पहले ये सेकंड हैंड साइकिलें हैं और ये सब सामान उमान है गाइस, ये जो प्लम्बरिंग में काम आता है सब, पाना पकड़ सबसे पहला ये है, फिर काफ़ी औजार है, मतलब हथियार, छुरी उरी, हथौड़ी वथौड़ी। तो गाइस सबसे पहली दुकान ये दिखी हमारे को, सेकंड हैंड साइकिलें मिल रही है जैसा कि देख सकते हो आप, ये रही। तो यहाँ आपको साइकिल भी मिल जाएगी गाइस, और यहाँ नवे हो जा रहे वहाँ सेकंड हैंड में, देख सकते हो काफ़ी काट वट खा चुके गाइस। देखो कैंची है, सब स्क्रू स्क्रू है, देख सकते हो दुकान वाले भाई। तो यहाँ नवी चीज़ें वही औजार आपको यहाँ नवे में मिलेंगे, ताला वाला, डिसमिस उसमिस, और वहाँ सेकंड में मिलेंगे। तो सबसे पहला ये था, तो ये दूर तक एक ही पट्टा है। तो अभी चलते हैं हम आगे, तो ब्लॉक में एंड तक बने रहना। चला से से चल रहे हम, और अभी हमें खाली कपड़ों के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है, देख सकते हो खाली कपड़े के सिवा। तो सेकंड हैंड चीज देखते हैं कहाँ से मिलता है, स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में मिल रहा था जो औजार औजार थे घर के सामान के, वही चीज़ खाली हमें सेकंड हैंड में देखने को मिली अभी तक। बाकी हम काफ़ी ज़्यादा चल चुके, बहुत अंदर आ चुके, लेकिन अभी तक हमें कोई सेकेंड हैंड चीज़ देखने को नहीं मिली। देखो अभी तक तो कुछ भी ना मिला है आपको, यहाँ जिम का सामान भी मिल जाएगा, देखो डंपल सिंपल से आपको हर वजन के यहाँ चीज मिल जाएगी। इसकी प्राइस कितनी अंकल? 1200 के 2 800 के 2 यार, देख सकते हो कि ये 1200 के 2 है और ये 800 के 2 है। तो आपको यहाँ जिम के सामान भी मिलेगी इस बाजार में, सेकेंड हैंड में मोतिया पत्थर और कुछ सिक्के हैं, तो देख सकते हैं पुराने जमाने के। भाव कर जो हर को। तो गाइस ये सब है, यहाँ आठने उठने के सिक्के हैं, सब पैसे हैं, देख सकते हो काफी पुराने जमाने के। Thank you.
देखो गाइस क्या खबर, कौन कौन से सिक्के हैं, ये सब पुराने जमाने के। और यहाँ काफी मूर्तियाँ उर्तियाँ देख सकते हो, मोटी मूर्ति। वो पुराना रेडियो है और ये मूर्ति है। भाई ये कितने का है? भाई भाई ये कितने का है? 350 का। गाइस स्पेशल किट यहाँ 350 रुपए का, जो मार्केट में 800-900 रुपए का मिलता है वो ये 350 रुपए का स्पेशल किट। तो अंकल यहाँ कितने रुपए से कितने रुपए तक स्टार्ट है सब सब चीज, कुछ भी चीज मतलब आपका स्टार्टिंग कितने रुपए से? यानी यहाँ से 50 रुपए से स्टार्ट है और एंड कितने तक होएगा अंकल? एंड इतने तक होएगा। तो यहाँ 50 रुपए से स्टार्ट है और 150-250-300 रुपए तक होगा गाइस। तो कौन है आप? तो देख सकते हो यहाँ टेबलेट मिल रहा है, लैपटॉप है और ये फोन है, देख सकते हो। ब्लॉग बनाता हूँ अंकल, तो प्राइस बता दोगे एक का? 250 रुपया। 250 रुपया घड़ी का? एक इसका सर ये बंद है, ये डिस्प्ले टूटा हुआ है। डिस्प्ले टूटा हुआ है तो बन प्राइस उसकी 1500 रुपये। तो देख सकते हो इस टैबलेट का डिस्प्ले टूटा हुआ है बट इसकी प्राइस 1500 रुपये बता रहे हैं अंकल। तो चल आगे चलते, तो आगे चलते गाइस। भाई फोन की सब प्राइस कितनी है? फोन की प्राइस बंद है, बंद है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी? कितने रुपए? काफी 100-150। ले दो। तो गाइस देख सकते हो ये सब बंद फोन है और इसकी प्राइस है 100-150। यहाँ सब टाइप के फोन मिलेंगे आपको, स्क्रीन टच तो टेबलेट ओबलेट तो चाइना के भी फोन है। तो बंद फोन है बट इसकी प्राइस है 100-150, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको खाली 100 बाजी करना हो तो ले सकते हो। देख सकते हो टेबलेट, टेबलेट वाले भाई भाई ये सबकी प्राइस कितनी होगी? 300-200 ये सबकी। देखो गाइस ये सबकी प्राइस है 300-200। टीवी भी है बड़ा। और इसकी प्राइस टीवी की 2500। वो चालू की चालू है तो उसकी प्राइस है। तो गाइस अगर आपको टीवी वी लेना है तो यहाँ आ सकते हो, ज़्यादा नहीं है, इसकी प्राइस है 2500 सिर्फ। तो आगे चलते यहाँ सेकेंड हैंड में साइकिल मिलती है, उसका भी प्राइस पूछते और आपको बताते। साइकिल की प्राइस कितनी है? 3500 रुपये। और ये 4000। इसके 3500 है और इसकी 4000 है। तो इन्होंने अभी एक साइकिल की प्राइस बताया 3500 और इसकी बताया 4000। तो आगे चलते, आगे और भी चीज दिखाता हूँ आपको। तो ब्लॉग एंड तक देखना गाइस, काफी मजा आएगा आपको ब्लॉग में। अब रविवार गाइस पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ काफ़ी चीज़ नवी हो गई, अपडेट हो चुका है। तो बहुत से जो चोर और होते थे, जो बोलते थे कि ये सब होता है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है गाइस। काफ़ी आपको औजार जैसे पाना पक्का डिशमिस ये सब सेकेंड हैंड में ज़्यादा मिलेगा, जैसा कि देख सकते हो खाली वही है। बस जो पहले कैमरा मिला करता था, फ़ोन मिला करता था सेकेंड में, लैपटॉप हुआ करता था, स्पीकर हुआ करते थे, वो काफ़ी कम हो चुके हैं। हम 3-4 लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और देख सकते हो कि काफ़ी सेकेंड हैंड में बुक्स है, कॉमिक्स सब मिलती है, ये
और कपड़ा का ज़्यादा व्यापार हो चुका है, तो काफ़ी चीज कम हो चुकी है। यानी अब इसको चोर बाजार काफ़ी कहा ही नहीं, मतलब इसको चोर बाजार बोल ही नहीं सकते। अब पहले कहा जाता था क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी मिलती थी। प्राइस कितनी है? रोल वाला है। अच्छा, एक बंद हो चुके हैं ना रोल वाले। फिर भी इसकी एक प्राइस बता देते ना, 4,000 रुपये। तो गाइस इसकी प्राइस है 4,000 रुपये और ये रोल वाला है जो पूरा पहले चला करता था काफ़ी। अंकल ये सब चालू कैमरा? हाँ भाई चालू, लेकिन छेल नहीं है लेकिन भाई ये सब चालू कैमरे बट इसके सेल नहीं है। तो इसकी प्राइस कितनी है अंकल? 2500 रुपये कोई भी इसमें से। तो गाइस इसकी प्राइस है 2500 रुपये, देख सकते हो। तो ये सब कैमरे है गाइस चालू है बट इसकी सेल नहीं है, देख सकते हो। ये चालू थी पर क्या है मेरी सोनी का 2500 रुपये में, इसकी प्राइस मार्केट में 15,000 से 20,000 हुआ करती है। तो ये 2500 रुपये में सिर्फ। आसिफ भाई को चाहिए स्पीकर क्योंकि हम सब रील्स बनाते हैं तो हमारे को जरूरत पड़ती है, आवाज कम आती है इसीलिए। मासी आना, प्राइस तू छे 100 रुपया चालू छे? चालू ट्राई करी सको, चालू करूं चार्जिंग नहीं। तो गाइस इसकी प्राइस 100 रुपया है जो बाजार में आपको 300-400 रुपये में मिलेंगे। इसकी भी यहाँ 100 रुपया तो ये 100 रुपया है बट बोलते हैं इसमें चार्जिंग नहीं है इसीलिए अभी फिलहाल बंद है। तो हम डर रहे अगर कभी घर ले जावे तो तभी बंद निकले तो हमारा 100 रुपया वो होएगा। तो भी हम ट्राई करते हैं इसको। अगर नहीं हुआ तो चालू लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कितने का? ये भी 100 रुपये। क्या गारंटी है चार्जिंग का? यही नहीं मासी, मतलब ये चालू तो है बट थोड़ा बहुत। हाँ मासी, मतलब देखे गाइस इसकी चार्जिंग सॉकेट थोड़ी डैमेज है बट ये प्रॉब्लम है इसमें मासी। गाइस चालू तो है बट इसकी जो चार्जिंग सॉकेट है वो मुझे थोड़ी डैमेज लग रही है तो इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया। बट इसकी प्राइस काफ़ी कम थी, 300-400 रुपये उसकी प्राइस होती है। ये आंटी मुझे 100 रुपये में दे रहे थे और काफ़ी कम भी कर देते मैं इनको कहता तो। बट गाइस थोड़ा बहुत मुझे डगा लगा, थोड़ा अजीब लगा तो मैंने उसको नहीं लिया। तो चलते आगे, आगे और चीज़ आपको दिखाऊँगा। लास्ट में आ चुके हैं जहाँ एनिमल्स बिकते हैं। तो आपको बताता हूँ, आ जाओ देखते। तो ये हैंगे रैबिट। मासी है ना सूप? 600 रुपये। देखो भाई ये वाली है, इसकी प्राइस 600 रुपये। ये जोड़ी है, ये बड़े वाला कितने का? 600 का यहाँ बिकते हैं और ये 600 रुपये के रैबिट से काफी। केला एक चाहिए भाव? 400 रुपया जोड़ी आना। तो इसकी 500 रुपया जोड़ी है। हाँ भाई तनु ब्लॉक। हाँ तनु ब्लॉक। तो अंकल बताओ ना, बताना ना अंकल कुछ जो कबूतरों के प्राइस क्या? 300 से शुरुआत होती है,
4000 तक की जोड़ी है कस्ते की। ये जोड़ा है तो गाइस ये जोड़ा है और इसकी प्राइस अंदर इसकी 4000 रुपये प्राइस किया है साठ इन भाई साठ इन की जोड़ी ये कबूतर का नाम है साठ इन और इसकी कीमत है ये 3500 रुपये 3500 रुपये जोड़ 3500 रुपये तो गाइस इसकी जोड़े 3500 रुपये। अगर आपको कबूतर उबूतर लेना हो तो ये चाचा के पास जरूर आइएगा। तो चलते आगे आगे भी आपको बहुत सी चीज़ें शुक्रिया अंकल। तनु ब्लॉग हाँ तनु ब्लॉग तो गाइस ये फीस है सब अंकल कितने का है सब 200 से स्टार्ट है 700 तक है ना। तो गाइस यहाँ 200 ये फीस है सब देख सकते हो अंदर फीस है सब। तो इसकी प्राइस 200, 350, 600 रुपए तक है सब। तो ये 200 रुपए से स्टार्ट है और 600 रुपए तक है। पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो प्लीज गाइस लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइस। और गाइस काफी मेहनत लगी है व्लॉग एडिटिंग करने में क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने किया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।